हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्प्रिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNAR, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती क्या है? तो इसमें ये रिएक्शन बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होती है, ठीक है, कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होती है उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। तो अगर इस पर हम डायरेक्टली के OH डालें तो देखिए, जो OH माइनस है वो डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नो रिएक्शन हुआ। तो ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की है तो वो फिर से क्यों एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक चाहेगा? कहने का मतलब ये है कि एक जो इलेक्ट्रॉन रिच जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर क्यों अटैक करेगा और वो क्यों उसे एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो इसीलिए इस केस में हमारी रिएक्शन, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम SNAR रिएक्शन कहते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, अब हमने क्या किया कि जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसे हमने क्या किया, थोड़ी सी बढ़ा दिया। उसके लिए हमने क्या किया, जो NO2 ग्रुप है वो हमने इस पर ऐड कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, तो आप इस पर OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर सकते हैं। देखिए, OH माइनस जो है इस क्लोरीन कार्बन पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड इस तरीके से कुछ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का मिल जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बेंजीन रिंग पर जो नेगेटिव चार्ज आता है, तो वैसे जो हमारा इंटरमीडिएट होता है उसे हम बोलते हैं मेसनमर कम्प्लेक्स, ठीक है, मेसनमर कम्प्लेक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल जाता है, तो इस जगह पे कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपस में कंबाइन करके हमें एक वापस से एरोमेटिक रिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम्प्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, जो स्टेप वन है, ठीक है, इस स्टेप में क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग जो है अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, तो ये स्टेप को हम बोलते हैं RDS स्टेप, क्योंकि ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या है, स्लो है। अब बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस कम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमने ऊपर वाला कंपाउंड ले लिया है, ठीक है, इस कम्प्लेक्स के वहाँ पे क्या था कि हमारा जो OH माइनस है वो इस कार्बन पे अटैक किया था, ठीक है, और उसके बगल में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया था। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि देखिए, ये जो यहाँ पे रेजोनेंस करके ऐसे आ सकता है, ठीक है, देन हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये फिर से जो है ये ऊपर आके इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये तो ठीक है, बट उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जिससे जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन दिया हुआ उसका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि NO2, ऑलवेज जो है हमारा पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। किस पे? पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इन दोनों पोजीशन पे होगा तभी हमारा वो जो नेगेटिव चार्ज हमें जो मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम उसको मेटा पोजीशन पे लेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हमारा जो है स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आप इसमें बताइए कि इन दोनों में से किस में फास्ट होगा SNAR। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि इस क्लोरीन वाले कंपाउंड में ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि क्लोरीन है वैकेंट डी, ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में जो फ्लोरीन का होता है उसका रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी रीजन से जो है, और NO2 भी अटैच्ड इसके साथ भी है, बट यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो रिंग है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, इसके कारण जो है ये फ्लोरीन वाले रिंग का जो है ज़्यादा रेट फास्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर इजीली समझ आया होगा। धन्यवाद।